बिहार विधान परिषद के भाजपा विधान परिषद दल के नेता श्री हरीश साहनी जी होंगे, मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। बिहार के सियासी गलियारे से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल बीजेपी एमएलसी हरीश साहनी अब बिहार विधान परिषद में विपक्ष के नेता होंगे। सम्राट चौधरी के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद ये बदलाव किया गया। खुद बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने इसकी जानकारी दी है। दरअसल जेडीयू के एनडीए से अलग होने के बाद पिछले साल अगस्त महीने में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी थी। सत्ता परिवर्तन के बाद बीजेपी सरकार से बाहर हो गई और विपक्ष की भूमिका में आ गई थी। उस वक्त बीजेपी ने पूर्व स्पीकर विजय कुमार सिन्हा को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया था, जबकि सम्राट चौधरी को बिहार विधान परिषद में नेता विरोधी दल की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। सम्राट चौधरी ने विधान परिषद में नेता विरोधी दल रहते हुए अपनी भूमिका बखूबी निभाई और सदन के भीतर और बाहर जनता के मुद्दों पर पुरजोर तरीके से उठाया भी। सड़क से सदन तक सम्राट चौधरी ने नीतीश और तेजस्वी की सरकार को घेरने का काम किया। लेकिन इस बीच बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का कार्यकाल खत्म होने के बाद उनकी जगह सम्राट चौधरी को बिहार बीजेपी की कमान सौंप दी गई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ विधान परिषद में विरोधी दल के नेता की जिम्मेदारी भी सम्राट चौधरी संभाल रहे थे। लेकिन अब बीजेपी एमएलसी हरीश साहनी को बीजेपी ने विधान परिषद में विरोधी दल का नेता बना दिया है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा की मौजूदगी में खुद बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने इसका औपचारिक ऐलान किया और हरि मांझी का नेता विरोधी दल के रूप में स्वागत किया गया। आपको बता दें कि दरभंगा से बीजेपी के एमएलसी अर्जुन सैनी का कार्यकाल पूरा होने के बाद पिछले साल बीजेपी ने दरभंगा सीट से हरि सैनी को एमएलसी बनाया था। हरि सैनी करीब 3 दशक के दौरान संगठन में कई पदों पर काम कर चुके हैं। हरि सैनी दरभंगा के जिला परिषद अध्यक्ष भी रह चुके हैं। संगठन में 2-2 बार दरभंगा के जिला अध्यक्ष और 2015 के चुनाव में बीजेपी के टिकट पर बहादुरपुर से चुनाव भी लड़ चुके हैं। एमएलसी बनने के बाद अब पार्टी ने उन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट बिहार तक।